सर सर सर, उस रूम में बहुत सारी परेशानी है, मेहरबानी करके दूसरा रूम दिला दीजिए। ए, पहले से यहाँ इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तू रूम बदलने की बात कर रहा है। सर प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा ये बता, तुझे प्रिंसिपल से मिलने कहा था, मिलकर आया? सर पहले से उस रूम में एक पेंटर आत्महत्या करके मर गया। तो जबान लड़ाता है, चल जाए यहाँ से। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है। एक्सक्यूज मी, दिनचर्या अखबार का ऑफिस यही है ना? हाँ बेटी, लेकिन ऑफिस बंद हुए तो 6 महीने हो चुके हैं, अभी आप लोग क्यों आए हैं? ये ऑफिस बंद क्यों हुआ? अब किताब कौन पढ़ता है बेटी, फेसबुक और व्हाट्सएप में ही अपना समय बर्बाद करते हैं, इसीलिए उसे बंद करके पब्लिक लाइब्रेरी में बदल दिया गया है। ये 6 महीने पहले की आई हुई न्यूज है, इसके बारे में जरा डिटेल्स चाहिए। आप कौन है? ये लीजिए, मैं इस चैनल की एमडी हूँ। ऊपर जाकर लेफ्ट साइड में चले जाइए, वहाँ पर एक स्टोर रूम होगा, आप जिस न्यूज के बारे में जानने आए हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको शायद वहाँ मिल सकती है, जाकर देखिए। ओके थैंक्स। थैंक्स। आर्ट्स कॉलेज के हॉस्टल में नाजायज रिश्ते की वजह से आत्महत्या। जैस्मिन जरा ये न्यूज़ देखो, 23 सितंबर को सरकार की जमीन में आर्ट्स कॉलेज में बॉयज हॉस्टल बनाया गया, आर्ट्स और पेंटिंग कॉलेज। उस कॉलेज में पेंटिंग का काम चल रहा था, कॉलेज बिल्डिंग बनाई जा रही थी और उसमें काम करने वाले वर्कर पेंटर पलनी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब तक जाँच चल रही है। इस आत्महत्या में उसके रिश्तेदारों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन पुलिस वालों ने इस आत्महत्या के केस में कोई भी एक्शन नहीं ली और ये एक भयानक सच है। इस सुसाइड के बाद कोई भी न्यूज नहीं आई और कुछ दिनों के बाद यह अखबार बंद हो गया। मतलब हम लोग इस सुसाइड के पहले वाली कोई न्यूज ढूंढे? ये मूर्ति तो मैंने तुम्हारे कॉलेज में देखी है। बाहर जाके पढ़ते हैं।
मेरा नाम है ऊर्चवन। सिरुमलई साम्राज्य में काम करने वाला मैं एक लेखक हूँ, देखा जाए तो मैं एक पेंटर हूँ। देश के स्वतंत्र होने के 1952 के बाद जमींदारी ऑब्लिगेशन एक्ट लागू होने लगा था, लेकिन कुछ जमींदारों ने कानून को अपना गुलाम बना लिया था और कुछ जमींदार लोगों ने सत्ता को अपने हाथों में लेकर जनता को भी अपने कंट्रोल में रखा था। उनमें से एक है सिरुमलई साम्राज्य पर राज करने वाला जामिन वांथिरायन। अपने बायोग्राफी में लिख कर रखो ये बोले, इसकी वजह से इस बुक को मैं लिख रहा हूँ। जमींदार ने अपनी लाइफ में काफी वर्क, स्टैचू आर्ट, माइनोट आर्ट वर्क को सीखना ही अपना लक्ष्य बनाकर जी रहे थे। उन्हें जो चीज चाहिए थी उसे अपनी जिद से हासिल कर ही लेते थे। राजा साहब, मैं आपके यहाँ नौकरानी का काम करती हूँ। राजा साहब, 3 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप मेरी तनख्वाह दे देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। पुन्नी, राजा साहब आपको ऊपर बुला रहे हैं, चलो। जमींदार का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, इसीलिए मैं उसकी बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ। लेकिन जब उनके साथ मैंने सफर करना शुरू किया तो उनका भयानक चेहरा भी मुझे दिखने लगा। बायोग्राफी का अर्थ यह है कि जो सच है वही लिखा जाता है, और यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य भी है। सुनिए एक मिनट। बोलिए। मैं जमींदार की जिंदगी के बारे में लिखने आया हूँ, उनके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? जमींदार का जो भयानक चेहरा है उसकी वजह क्या है, ये लोगों से मैंने सुना। जमींदार अपने वंश को आगे ना बढ़ा पाने वाला एक नामर्द था। इसी कमी को छुपाने के लिए वो औरतों का जानवरों की तरह शिकार करता था और ऐसा करके उसे खुशी मिलती थी। Thank you.
नमस्ते राजा साहब। माफ कीजिएगा, मैं आपको देख नहीं पाया। आपका हिसाब किताब कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है राजा साहब। मैंने सुना है कि आप अपने किताब में मेरे बारे में कुछ गलत लिख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है राजा साहब। डरिए मत, लोग चाहे कुछ भी कहें पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम आपको अच्छी तनख्वाह और इज्जत देते हैं। मेरा नाम और प्रसिद्धि बिगड़ने ना पाए। जी जरूर। इसका हिसाब जल्दी खत्म करो, राजा साहब आने के बाद पूछेंगे। ठीक है, कर देता हूँ। हे रुको, कहाँ जा रहे हो? राजा साहब की आर्ट गैलरी देखकर मुझे कुछ लिखना है। आर्ट गैलरी में जाने की किसी को अनुमति नहीं है बेटा, ये राजा साहब का ही हुक्म है। देखिए, मैं राजा साहब के जीवन के बारे में यहाँ लिखने आया हूँ और मुझे यहाँ पे सारे अधिकार दिए गए हैं। ये उनकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है आपको तो पता ही है। हाँ। फिर आप मुझे क्यों रोक रहे? ठीक है, जाओ। अच्छा, अंदर ऐसा क्या है, क्यों किसी को जाने की अनुमति नहीं है? अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं, बहुत कीमती चीजें हैं उस रूम में, और उन सबसे बढ़कर बर्मा से इंपोर्ट किया हुआ एक माया आईना उसके अंदर है। वो साधारण नहीं है, वो बहुत चमत्कारी आईना है। अगर तुम उस आईने के सामने जाकर खड़ा रहोगे तो तुम पिछले जन्म में कौन थे ये तुम्हें सच में दिखाई देगा। सच में? हाँ, तुम्हें तो राजा साहब ने सभी जगहों पर जाने की अनुमति दी है ना, तो जाओ। Huh?